हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और देखिए आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है। देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है, एकदम तेज। कपड़े सूखे नहीं है कल के, और पानी भी थोड़ा थोड़ा, ये शेड लगा हुआ है ऐसे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है। थोड़े कपड़े वापस गीले भी हो गए, कोई बात नहीं, फिर बाद में अंदर ही डोरी बांध के फैन चालू कर दूँगी। बहुत अच्छा मौसम है कल रात से, वैसे तो बारिश चालू है लेकिन सुबह से तेज बारिश आ रही है, और ये एकदम मस्त पूरा बादल छाए हुए हैं। मतलब लग रहा है अच्छी खासी बारिश आएगी आज, बंद नहीं होगी शाम तक ऐसा लग रहा है। और आज नाश्ते में बना रही हूँ नूडल्स, डिमांड पर, बच्चों की डिमांड पर कि नूडल्स खाने। कल हमने हेल्दी पिज़्ज़ा खाया, तो आज हम नूडल्स खाएंगे, तो कोई बात नहीं, चलो नूडल्स बना लेती हूँ नाश्ते में। बस बनाऊँगी अभी नूडल्स, और फिर क्या बनाना है खाने में वो सोचूंगी। फिलहाल तो नूडल्स बनाऊंगी, बाकी सारा काम एकदम अच्छे से हो गया। घर की साफ़ सफाई, डस्टिंग वस्टिंग सब एकदम अच्छे से सारा काम कर लिया। सिर्फ ये कपड़े हैं, ये कल के सूख रहे हैं, क्योंकि सूखे नहीं तो लिए नहीं है अंदर। कल भी ऐसा पूरा दिन मौसम ऐसा ही रहा था, और आज मशीन में कपड़े डाल रखे, पर मैंने सोचा कि क्या करूँ, और मशीन गीली भी होगी तो मुझे डर भी लग रहा है उसको छूने से, क्योंकि काफ़ी पूरा पानी मशीन पर भी गिरता है। मशीन पूरी गीली होगी तो कपड़े अंदर डाल के रखे, लेकिन मशीन चला ही नहीं, वैसे की वैसे पड़ी है। चादरें धो के रखी थी जो सफाई की ना, तो उस दिन ना मैंने बोला भाई ने पूरा कवर किया था चादर डला के, तो काफ़ी धूल मिट्टी भर गई थी, तो धो के पीछे डाली, वो भी वापस गीली हो गई। और अभी उसको उठा लोगे ना हल्की सी, तो भी वो बारिश की जो स्मेल होती है वो बैठ जाती है। मैंने कहा भले पड़ी ऐसे, फिर धूप निकलेगी एक कल, या कल भी निकल सकती है, ऐसा हो सकता है एक दो दिन में धूप निकलेगी, फिर वापस धो के फिर धूप में तपा के फिर ही उसको अंदर रखूँ। मेरी ऐसी आदत है कि कपड़े ना ऐसे हल्के से भी भेज वाले होते हैं, तो जो वो नहीं बोलते बारिश के, वो जो स्मेल आती है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कपड़े एकदम मस्त कड़क धूप में सूखे हुए वैसे वाले कपड़े होने चाहिए, तो उस तरह से तो मैं अभी ऐसे कपड़े अंदर नहीं रखूँगी जब तक ऐसे नहीं हो। डोरमेट भी सारे सफाई की तो सारे भिगो के रखे, मन का लगा कि आज नहीं बारिश आएगी, कल हल्की हल्की आके चली जाएगी, तो कल धोऊंगी, तो वो भी अभी भीगे हुए, मतलब अब एक दो दिन तक बारिश चलेगी तब तक तो कोई काम ये वाला नहीं होगा धोने वाला। तो ये भी सोचा था धीरे धीरे सफाई अब स्टार्ट की है, तो कबोट वबोट करने लगी। पर ये भी है कि कबोट जैसे भी इस तरह से भेज वाला वातावरण हो ना, तो कभी सफाई नहीं करनी चाहिए। सफाई की जगह उल्टी गंदगी हो जाती है, जो कपड़ों में भेज लगता है, जो नए कपड़े हम अच्छे से संभाल के रखें उसमें भी वो भेज वाली स्मेल आ जाती है। तो ऐसे टाइम पे कभी सफाई ना निकाले, क्योंकि सफाई कम और उसका नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा मिलता है। बस अभी बनाना, पहले नूडल्स बॉईल होने के लिए रख लूँ, तब तक काट लूँगी सब्जियाँ। नूडल्स तो बॉईल कर दिए अभी, और ये कपड़े पड़े हैं। काफ़ी बारिश देखो ऐसे पूरी ना, मशीन हमारी ये लगा हुआ है पर किसी काम का नहीं है, बहुत पानी गिरता है। और ये मशीन पर तो देखो करंट लगने का डर लगता है ना, पूरी पानी है, पूरी गीली हो गई, इतनी बारिश तेज हो रही है। ये देखो जैसे वो नहीं खेत में वो मशीन लगा दे ना पानी के लिए, इतना तेज तेज बारिश हो रही है आज, इतनी बहुत तेज बारिश है, पता नहीं। घर से सारी बेडशीटें ये सारी गीली हो गई, मैं बोला अभी इसको नहीं उठानी है। कुछ भी बनाओ, मुझे लगता है कुछ सब्जियां तो जो है ना वो बेसिक है, ये जो सभी में डलती है, जैसे ऑरेंज गाजर है, कैप्सिकम, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, तो यही सारा चीज़ें डालूँगी नूडल्स के अंदर। बारिश आती है तो एक चीज़ बहुत अच्छी होता है, स्किन एकदम ऐसे खिली खिली सी लगती है, शायद धूप वूप ना हो उसकी वजह से, ऐसा एकदम इतना अच्छा एकदम फेस लगता है ना, एकदम स्किन सॉफ्ट सॉफ्ट सी लगती है, और घर भी बहुत साफ़ सुथरा लगता है एकदम, शायद मिट्टी विट्टी नहीं उठती उसकी वजह से, इतना साफ़ लग रहा है घर पूरा, एकदम नीट क्लीन, एकदम फर्श वर्श सब चमकता हुआ घर। वैसे बारिश बहुत अच्छी है, बस एक कपड़े नहीं सूखते ये परेशानी रहती है बारिश में, और कहीं जा नहीं सकते बाहर, घर में ही रहना पड़ता है, और कुछ अच्छा अच्छा बना के खाना पड़ता है। आज तो भजिए सोच रही हूँ, आज तो भजिए बना के खा ही ले प्याज के, तो तेल भी वैसे रखा हुआ ही है, तो थोड़े वो भी बना ही लूँगी, क्योंकि भजिए तो अभी आज तो बहुत तेज वाली बारिश है, तो आज तो भजिए पक्के बनते हैं खाना। फ्रेंड्स, मैं सोच रही थी कि नूडल्स बना रही हूँ, तो फिर रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। तो नूडल्स बनाने के लिए पहले तो मैंने ये कैबेज लिए, शिमला मिर्च और ऑरेंज गाजर लिया है, अदरक लिया है स्लाइस में काट के, लहसुन भी इस तरह से काट के लिए, हरी मिर्च लिए, एक हरी मिर्च लिए, और कटे हुए प्याज, और ये नूडल्स बॉईल करके इसको तेल डाल के इस तरह से छोटे छोटे करके रख दिए।
साथ में लिए ये जो सॉस होते हैं हम चाइनीज में जो डालते हैं वो, नमक और तेल। तो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल दूंगी, ये 2 चम्मच के करीब मैंने तेल लिया है। तेल गरम होगा ना तो सबसे पहले इसके अंदर प्याज डालूंगी। हो गया गरम, सबसे पहले इसमें डालेंगे प्याज। दो प्याज लिए मैंने मीडियम साइज के, गैस पास ही रखना है, स्लो गैस पे नहीं करना है, एकदम फास्ट गैस पे इसको प्याज को भूनेंगे। इसके बाद सीधा डाल देंगे हरी मिर्च, लहसुन, ऐसे लहसुन को स्लाइस में भी काट सकते हैं और ऐसे गोल भी काट सकते हैं, मैंने गोल काटी है। बस ये सब डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद डाल देंगे, गैस पास ही रखना है, गैस धीमा नहीं करना है। प्याज अच्छे से भून गए तो इसके अंदर अब डाल देंगे कैबेज। सारी सब्जियां अच्छे से धोकर लें और कैप्सिकम, गाजर सब कुछ एक साथ में डाल देंगे और वही गैस फास्ट करके उसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इसको गलाना नहीं है, सब्जी हमको एकदम प्रॉपर कुक नहीं करनी है, अगर गल जाए वहाँ तक इसको नहीं करना है। तो इस तरह से थोड़ा मिक्स कर देंगे 1 मिनट के लिए। मिक्स हो गई ये सारी सब्जी अच्छे से, अब 1 मिनट के लिए इसको ढककर रख देंगे। सब्जियाँ सॉफ्ट हो गई है, हमको गलानी नहीं थी, सिर्फ इसके अंदर नमक, नमक सब्जियों के बाद का ही डालना है क्योंकि नूडल्स बॉईल करते वक्त उसमें डाल दिया है। तो अपने हिसाब से इस तरह से सोच के ही नमक डाले, टेस्ट के जितना जिस तरह से नमक खाते उस तरह से मिक्स कर देंगे। और ये लिया है मैंने हक्का नूडल्स का मसाला, ये 1/2 चम्मच जितना ये डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हो गया अच्छे से मिक्स, तो इसके अंदर अब हम सारे सॉस डालेंगे, ग्रीन चिली, रेड चिली और सोया सॉस। ये मैंने बड़ी 1 चम्मच डाला है सोया सॉस, 1 चम्मच रेड चिली और 1 चम्मच ग्रीन चिली। फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया और इसमें डाल देंगे अब हम नूडल्स। ये 2 पैकेट का मैं बना रही हूँ, 2 पैकेट नूडल्स मैंने लिए। इस तरह से सारे डाल देंगे। इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। एकदम अच्छे से हिला के इस तरह से मिक्स करती है और नूडल्स बन गए, हो गए तैयार। इस तरह से हक्का नूडल्स हम घर से बना के भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हमें लगते हैं एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल के बने। तो बनाइए, खाइए, बिल्कुल इजी है, आसानी से बनने वाली रेसिपी है। बस ये जो चाइनीज सॉसेस तो हर किसी के घर में होते ही हैं, तो बना के खाइए, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बनाइए और खाइए। आज हमारा ये अब चल रहा है, बच्चे खा के बताएंगे कैसे बने कैसे नहीं बने। फिलहाल तो बना दिए मैंने, तैयार कर दिए बना के, तो स्टार्ट करेंगे खाना हम। निकाल के दे देते हैं प्लेट में, प्लेट में क्या सीधा इसको डाइनिंग टेबल पर लेकर जाती हूँ ताकि वहीं बैठ के आराम से खाएँ हम। अथो रिव्यू तो दे नूडल्स के मेरे, बहुत अच्छे हैं।
अच्छा कुछ बोल तो सही, बहुत अच्छे। तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं मेरे नूडल्स को या कुछ भी बनाती हूँ तो ये बच्चे कहते हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऐसे ही रिव्यू देते रहते हैं, पर सच में अच्छे बनते हैं इसीलिए बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हाँ मैं इनको पूछ रही हूँ इसीलिए बोल रहे, सामने से बोल रहे। ध्रुवी तो जब बन रहे थे ना तो बोल रही थी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने का मन कर रहा है, कब बने कब खाऊं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं ऐसे बोलती हूँ कि हाँ भाई कब बने कैसे खा लें, वैसा वाला कुछ भी नहीं है। इनको पसंद आता है तो ही बोलते, वरना तुरंत ही बोल देते भाई आज सही नहीं बना, नहीं अच्छा बना है, पहले से थोड़ा कुछ तुमने चेंज किया। जैसे मैं कुछ भी, मुझे बहुत कुकिंग का शौक है ना, तो मैं कुछ कुछ चेंजेस लाती रहती हूँ जो लेकर आती हूँ, तो इनको तुरंत ही पता चल जाता है आज कुछ अलग किया है। तो इस तरह से ये लोग पहले से खाते हैं, तो पहले से और जो रिव्यू देते हैं वो एकदम सही रिव्यू देते हैं, मेरे कहने से कुछ भी नहीं करते। पहली बार लाइफ में कुछ मिला है, क्या मिला है, असली फूल पिंक और ऑरेंज कलर के गुलाब के फूल मिले हैं फ्रेश। बारिश तो बंद ही नहीं हुई, एकदम तेज बारिश, और फिर तो भजिए खाने बनते ही थे, तो बस बनका चलो भजिए बना ही लेते हैं, तो बना लिए हैं भजिए। मेरे बनाए आलू प्याज हरी मिर्च और धनिया डाल के, और ये थोड़े बस बन नहीं आए, ये थोड़ा गरम गरम खाएंगे। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही आज तो, आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बोल रहे अभी 20 तारीख तक शायद ऐसी बारिश होती रहेगी। कल थोड़ी धूप निकले तो सही है, कपड़े डाल दूँगी ताकि कपड़े तो सूख जाए, बाहर जो सूख रहे थे वो लेकर अभी सोफा के वहाँ डाले और फैन चालू किया है, और प्रेस के कपड़े होते तो वो तो प्रेस में डाल देते ना, तो उसकी चिंता नहीं है, वो तो फिर अच्छे से सूख जाते हैं और स्मेल भी नहीं आती है। लेकिन ये वाले कपड़े जो अंदर सोफा के नीचे डालें, अगर एक घंटा भी धूप निकलती है ना तो भी अच्छा है, एक घंटा धूप निकले तो भी कम से कम थोड़ी धूप ले लें ना कपड़े तो स्मेल चढ़ जाती, फिर नहीं आती उसके अंदर से। बस हो गए सारे भुजिए, पानी से करिए, तेल मैं ना थोड़ा माप कर ही लेती हूँ, ऐसा मैंने पढ़ा था कि यूज़ किया हुआ तेल जो हम तल के एक बार तल लें ना उसको दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए, तो मैं फिर इस तरह से लेती हूँ माप से तेल और दोबारा यूज़ नहीं करती, फिर हम उस तेल को फेंक देते हैं।